पहली बात मैं बता दूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखे बिना ही डिसलाइक करते हैं तो एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप लोग सोचना कि वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक। आपने यूट्यूब पे दो नामों को तो सुना ही होगा, ढिंगचक पूजा और पायल जोन। तो अभी रिसेंटली पायल जोन ने एक नई वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो बता रही थी कि वो सौरव जोशी का पर्दाफाश करने वाली है, और आप लोग तो चौंक ही गए होंगे ये सुनकर। तो मैं बताऊं उसकी जगह तो आप खुद जाके देख लीजिए कि उसने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना YouTube चैनल डिलीट कर देना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चाहिए क्योंकि YouTube पे वीडियोस बनाने का कोई फायदा तो है नहीं मेरे लिए। मैं जिस भी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाती हूँ अगले दिन मेरे को उनके DM आने लग जाते हैं, वो मेरे को ऑडियो भेजने लग जाते हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर केस कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर FIR कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं। इस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही हैं जो कि मेरे को लगातार बहुत ज्यादा मेंटली हैरेस कर रही है और परेशान कर रही है। तो अभी इस तरीके की गलत हरकत मेरे साथ जिस क्रिएटर ने करी है मैं उसको आप नाम बता देती हूँ उसका आप लोगों को। उसका नाम है दोस्तों सौरव जोशी। तो गाइस आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ऐसे सौरव भाई ने क्या बोल दिया। कोई नहीं गाइस, आप लोग वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। जोशी जी हाँ दोस्तों सौरव जोशी ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि वो मेरे ऊपर FIR करने वाले हैं। और FIR तो चलो ठीक है कर दो, लेकिन उन्होंने मेरे को ये भी बोला है कि मैं पागल हूँ और मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, मेरे को कोई सेंस नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। मैं आपको साइड में दोस्तों चैट दिखा दूंगी, आप ये चैट पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने पूरी बातें बोली हुई है कि ये लड़की पागल है और इसको कोई भी सेंस नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने दो ऑडियो भी भेजी है। अभी तो आपने ऑडियो सुना नहीं है, ऑडियो सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस तरीके की बातें सौरव जोशी बोल रहे हैं, वो भी मेरे बारे में, एक बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की के बारे में। एक मिनट क्या बोली, समझदार लड़की? मतलब इसको लगता है कि FIR करेंगे तब तक ठीक है, और पागल बोले तो एनीवे गाइस अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रही होगी जिसमें वो चैट दिख रहा है। तो सौरव जो ये बोल रही है कि सौरव जोशी ने इसको एक मैसेज भेजा है जो कि मुझे नहीं लगता कि भेजा होगा, क्योंकि सौरव भाई के पास कहाँ इतना टाइम होता है इन सभी लोगों को भेजने के लिए। तो समझो ये चैट सौरव जोशी ने डायरेक्टली मुझे नहीं बोली, मेरे को तो सौरव जोशी ने कुछ भी नहीं बोला मैसेज करके, लेकिन ये जो चैट्स हैं ये तब की चैट्स हैं जब सौरव जोशी अपने एक फैन के साथ या कह सकते हैं एक सब्सक्राइबर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। ये सारी बातें उन्होंने अपने एक सब्सक्राइबर्स को या फिर एक फैन समझ लो एक फैन को बोली है। क्या बात हुई थी मैं आपको बताती हूँ, हुआ ये था। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और बीते 5 मिनट से बड़बड़ाने के बाद पायल दीदी एक बहुत ही ओपी वाले कंक्लूशन में आए थे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। नहीं कर सकती, बट एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये चैट पढ़ी थी सौरव जोशी वाले, शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगा, बट जब मैंने ध्यान से उस चैट को पढ़ा, जब मैंने ध्यान से उस मैसेज को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो मैसेज में इंग्लिश है वो गलत तरीके से लिखी हुई है, मतलब जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा गलत है। तो मेरे को पता चल गया कि ये जो चैट है वो सौरव जोशी ने नहीं लिखी है, ये मैसेज सौरव जोशी ने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर होगा तो वो इतनी ज्यादा गलत इंग्लिश नहीं लिखेगा। जैसे उन्होंने बोला है कि टू हर आई विल आई एम डूइंग FIR टू, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। तो इस तरीके की गलत इंग्लिश कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं लिखेगा। तो मुझे पता चल गया कि ये चैट सौरव जोशी ने नहीं लिखी है, उस बंदे ने एक फेक स्क्रीनशॉट तैयार करके मेरे को डराने के लिए मेरे को स्टोरी में टैग किया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब तो ये क्लिप देखने के बाद तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर रोस्ट क्यों बनाई। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि इसको इसके जो टाइटल और थंबनेल्स है वो बताते हैं, और आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा। और ये जो कंटेंट बनाती है वो वर्स्ट कहती है, अगले ही दिन वो नया वीडियो बनाती है और बेस्ट कहती है। और वो क्यों है मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसने एक वीडियो में मेंशन किया था कि उसको कुछ मूड स्विंग्स वगैरह वगैरह होता है, तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया मत बनाओ वीडियो। तो एनीवे गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।
Shh.